गगू माम पप कर दो इसको, पप कर दो केटो को, वो वाली भी दो कहता है। ये लो यही है, बोले मेरा बच्चे दो। बड़ी इसको प्यारी लगती है भी, अल्लाह करता नहीं, जब बड़ा होगा मानेगा भी नहीं है। हम क्यों पप करें, बिल्लियां तेरी है तो। ओ भाई बैठ जा बैठ जा, खुश तो हाल है। ये लो बैठ गए, पप्पा को दे दो ये, एक दे दो ये, एक ना एक एक दे दो, एक दे दो पप्पा को, मुझे दे दो ना। स्कूल नहीं जाना अब तो, न्यू स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी ना आपका। ये आपकी यूनिफॉर्म छोटी हो रही थी पड़ी पड़ी, तो मैंने कहा आप पहन लो, तो पहले इसकी जो मैं कंघी कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा ये यूनिफॉर्म इसको पहना दूँ, वैसे भी छोटा ही हो रहा है। चलो जी इनकी कंघी करते हैं। मेरा बेटा मदरसे, अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चे जा रहे हैं अभी मदरसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के करम से हम भी ठीक हैं। तो अभी और दोपहर का टाइम और मैंने लगाई हुई है मशीन, और मैं आज कपड़े धो रही हूँ। आप लोगों को पता है जैसे मकान शिफ्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए हुए हैं, और कुछ वैसे भी पड़े हुए थे साइड पर, थोड़े थोड़े मेले थे, मैंने कहा वो भी धो लेती हूँ, एंड में जो होगा फिर भी धोने पड़ेंगे ज़ाहिर सी बात है। और अभी जो है मैंने कपड़े कुछ धोए और कुछ रहते हैं, क्योंकि अभी हमारी लाइट नहीं है, तो लाइट आएगी 2:30 बजे। अभी बज रहे 2:20 मिनट। मलाइका और रैन को जो मैंने मदरसे भेज दिए, मुझे शाम से इतना नज़ला हो रहा है और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, सर बारी बारी हो रहा है। कपड़े धोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर में जो हमारे कुछ दिन ही बस रह गए, तो ये काम क्लियर करूँ। और कंबल जो है, कंबल भी धोना है, और एक ये मेरे पास पड़ी हुई रीली शनील की, तो ये भी धोनी है। ये और कंबल सलीम कह रहे हैं वो कल धो लेंगे, आप इनको गीला नहीं करें। अभी जो कपड़ों को खंगालते हैं जो मैंने धो लिए, और उज़ैफा भी उठ गया है। अंदर नहीं जाना, ठंडे कपड़े गीले हो जाएंगे आपके। और ये वाले कपड़े जो हैं खंगाल लेते हैं, और ये वाले ये देखें जी ये मैंने डाले। और एक तो हमारे ना लाइट चली गई, अभी लाइट आए तो फिर ही ये देखें, सारी झाग जो है ख़त्म हो जाती है पानी खड़े खड़े। 2 घंटे से मशीन बंद है। और गगू आप अंदर नहीं जाओ मेरा बेटा, नहीं भाई नहीं, वापस आओ। तो जब तक जो है इन कपड़ों को खंगाल लेती हूँ, और जब तक लाइट आ जाएगी, और फिर जो है मैं और कपड़े भी धो लूँगी। तो अभी जो हुज़ैफ़ा को जो है मैंने ना सलीम के लैपटॉप में ना कार्टून लगा दी, जब तक ये काम कर लूँ मैं, फिर आटा भी गूंथ लूँ साथ साथ। कपड़े काफ़ी सारे पड़े, तो ये रस्सी तो 2 हैं और इसलिए बहुत छोटी हैं रस्सियाँ, तो सोच रही हूँ बाकी कपड़े जो बच जाएंगे वो ऊपर वालों के घर पे जो डाल के आ जाऊँगी। वो भी पता नहीं घर पे हैं कि नहीं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, अभी है तो खामोशी है पता नहीं, या फिर रख दूँगी शाम में डाल लूँगी। पर ये जब तक तो खुश्क हो जाएंगे, पर अभी धूप भी नहीं है हमारे यहाँ पर, धूप ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल छाँव है घर में, धूप है ही। तो यकीन करें नज़ले ज़ुकाम से तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बुखार है, सर बारी बारी सा हो रहा है। तो अब जल्दी से बस ये कपड़े बस धोऊंगी, और फिर भी अपने लिए कप चाय बनाऊंगी गर्मा गर्म। कपड़े जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, पता है कपड़े कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, जहाँ पता अलमारी खोलो कोई ना कोई पता लगता है कि इस कपड़ा हल्का सा मेला हो ना, तो दिल करते इनको भी धो लें। और अभी तो वैसे घर शिफ्ट कर रही हूँ, तो अब वैसे टेंशन। और हुज़ैफ़ा का जो है ना कंबल, वो भी बहुत गंदा है, उसका कंबल भी ये देखे मैंने धो लिए, ये रहा इसका कंबल भी धो लिए, तो ये भी कल तक ही सूखेगा। और आज शाम को इसका कोई और दूसरा वाला मलाइका और इनका कंबल है वो पहना दूँगी आज शाम को। पंखा हम लोग शाम को बिल्कुल ही नहीं लगाते, क्योंकि बच्चे हैं उनको भी नज़ला हुआ है और सर्दी है वैसे भी। बस ये कि लाइट भी बस आने वाली है, 5-10 मिनट रह गए, फिर ये मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े भी धुल जाएंगे और बच्चे भी जो है मदरसे से भी आ जाएंगे। ये हुज़ैफ़ा की मेली वाली ये भी तैयारी पड़ी।
कंबल को जो डबल पानी से निकालना पड़ेगा, कंबल के लिए जो फिर एक टब मुझे भरना पड़ेगा। इनको जो मैं ना प्लास्टिक के ऊपर ही रखती आ रही हूँ, ये देखिए कंबल मैंने डाले सारा टब में, देखिए झाग हो गई। अब इस पानी से निकाल के फिर टब में दोबारा पानी डालूंगी, फिर उससे निकालूंगी, इसमें से निकाल के फिर टब जो है खाली करूंगी, फिर टब को भर के ना फिर दोबारा निकाल कर। छोटा सा कंबल है और इतना वजनी हो गया ना पानी से। कपड़े मेरे सुबह के धुल जाते हैं, असल में ना लाइट चली गई है और 11:30 बजे लाइट गई है ना, बस यही कपड़े धुले और पड़े हुए। अभी आइए 2:30 बजे आएगी तो फिर ही बाकी कपड़े धुलेंगे। तो अभी जो इसका ना टप वाला पानी जो निकालती हूँ और दोबारा दूसरा वाला भर के फिर जो है ये मैं कंबल जो है फिर डालती हूँ। तो ये देखें लाइट हमारी आ गई है, मशीन मैंने ऑन कर दी है, दोबारा सर्फ डाला है और क्योंकि वो असर जो है इसका सर्फ का ख़त्म हो गया था। और जी यहाँ पे जो है मैंने कंबल को निकाल लिया इस पानी से दोबारा, और ये देखें इसका टप को उल्टा करके मैंने रख दिया इस पर। ये देखिए अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा ना, तो फिर जो इसके ऊपर कहीं डालेंगे। और अभी जो है इस प्लास्टिक को धो लेती हूँ मैं ये ब्रश से, और इस डब्बे में जो है सर्फ भी पड़ा हुआ है। वैसे तो ये सर्फ वाला ही पानी हो, तो थोड़ा सा सर्फ और इसके अंदर डाल देती हूँ, इतना ही बहुत है, ज़्यादा नहीं डालूंगी इसके अंदर। ये प्लास्टिक निकाल हटा लेती हूँ। ओके जो है अच्छे से साफ हो जाएगा, इसमें बहुत मैल भी हुई है। जब से इस घर में आए ना तो हम लोगों ने ये वाला प्लास्टिक धोया भी नहीं, तो मैंने सोचा अब न्यू घर में तो वैसे जाएंगे तो इस प्लास्टिक धो ही लेते हैं। ज़ैफा गिरोगे, केटन गिरी हो जाएगी, जाओ यहाँ से। सारा प्लास्टिक जो है धुल गया अभी, इसको मैंने बेसन पे डाल दिए और इसका ये पानी निकल जाएगा और ये खुश्क हो जाएगा। ये देखें ये सारा पानी पानी हो गया फर्श पे, तो ये बस कपड़े जो हैं धुल जाएं। ये कपड़े बस धुल जाते तो निकालती हूँ, बाकी सारे कपड़े ख़त्म हो गए, बस ये आखिरी हैं कपड़े, तो ये निकाल के जो फिर साइड पर रख देती हूँ, फिर ये जो सारा फर्श धोती हूँ। और ये देखिए जी यहाँ पर जो है मैंने चाय रखी हुई है और आटा भी मैंने गूंद लिया है। ये देखें टाइम हो रहा है 4:30 का और कपड़े ये वाले सारे धुल चुके हैं और ये वाले जो हैं बस अभी खंगालने मुझे, और ये बच्चों के जो टॉयज सारे मैंने धो लिए, बस ये वाले आखिरी रह गए। सुबह से शाम हो गई पर कपड़े जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक तो नज़ला है, सर में भी दर्द हो रहा है, 4:30 का टाइम है, अभी लाइट फिर से जाने वाली है, बस ये कपड़े आखिरी हैं, बस ये निकाल दी फिर पोछे जो है बाद में दूँगी जब लाइट आएगी, तो फिर तो 7:30 बजे आएगी लाइट। तो मैंने कहा वीडियो का यहीं पे करती हूँ, चाय रखती है और बच्चे भी आने वाले हैं, सलीम को भी उठाती हूँ और वो भी फ्रेश हो जाए, फिर उनके लिए जो है रोटी बनाती हूँ, सुबह अभी काम पे जाएंगे। तो वीडियो का यहीं पे करती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।